दोस्तों आज हम एक बेहतरीन से प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बेहतरीन सा डिज़ाइन, बेहतरीन सा मॉडल, जो कि मॉडर्न हाउस डिज़ाइन है, जो इसकी ग्रिल वगैरह जो इसका डिज़ाइन मैंने दिया है, बेहतरीन सा मॉडल है। और यहाँ पर जो इसका साइज़ की अगर हम बात करें तो टोटल 20.5 फिट का इसका फ्रंट है और 33.9 का इसका लंबाई है, जिसमें कि लगभग ये नीचे वाले फ्लोर में चार फिट चारों तरफ से जगह छूटी हुई है। इसके बाद जो मकान बना हुआ है वो है, और इसमें फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो उसमें कार पार्किंग भी मिलती है आपको। हालांकि 10x10 का स्पेस है तो कार पार्किंग बहुत ही मुश्किल, लेकिन एक हाथ दुकान आप उसमें रख सकते हैं। कार पार्किंग के लिए आपको जो मेन डोर मैंने दिया, यहाँ से वहाँ तक खड़ा करना पड़ेगा। तो इसी प्लान को पूरा आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था और उनके ही कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया ये मॉडल है। तो फ्रंट एलिवेशन आप देख लें, सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे और आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। तो इसके रेलिंग का डिज़ाइन आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से रेलिंग, और ये यहाँ पर एक पैनल मैंने यूज़ किया है बेहतरीन सा। तो ये पूरा अगर टॉप व्यू देखना चाहे तो आप टॉप व्यू उसका देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बना हुआ है, ये गुमटी बना दी है स्टेयर्स को ढकने के लिए। तो ये पूरा मॉडल बना हुआ है, आप देख लें, इधर साइड आपका क्लोज्ड है और तीन साइड से आपका लगभग चार फिट छूटा है, तो उसी में मैंने छज्जा भी निकाल दिया है और फ्रंट पे फर्स्ट फ्लोर पर उसी को एज अ रूम में एडजस्ट कर दिया है। तो हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए फ्रंट से इसका डिज़ाइन है, ये आपकी चारों तरफ से जो रेलिंग थी चार फिट का स्पेस वो रेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। फ्रंट में मेन डोर दिया है, ये कुछ डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें मैंने और क्रिएट कर दी हैं, आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा इसका जैसा मेन डोर से एंट्री करते हो तो सबसे पहले चार फिट का चारों तरफ तीनों तरफ आपको स्पेस मिलता है, ये देखिएगा तीनों तरफ स्पेस मिलता है चार फिट का। इसका अगर हम बात करें शॉप की, तो ये आपकी दुकान टाइप की या कार पार्किंग आप इसे समझ सकते हैं, तो ये इसलिए मैंने शटर दिया है। इसका ये एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। और इसकी एंट्री की अगर हम बात करें तो एंट्री आप यहाँ से घूम कर आएंगे और इधर से इसकी मेन एंट्री है, ये इसकी मेन एंट्री है, जहाँ से आप अंदर जाएंगे तो यहीं से स्टेयर्स भी हैं, तो स्टेयर्स अंदर से आएंगी और टर्न होकर वापस आएंगी। तो स्टेयर्स बनाते समय आपको ध्यान ये रखना होगा कि स्टेयर्स की इतनी ऊंचाई हो जाए कि जो आप गेट लगा रहे हैं इससे ऊपर रहे, तभी आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं तो देखिए एक आगे ये जो कि शॉप टाइप की थी जिसमें शटर लगा था, वो एक बेडरूम टाइप का है या दुकान समझ लें, पार्किंग समझ लें। और एक आपका पीछे इसका दिया आपका किचन एरिया है, ये देख पा रहे हैं, सॉरी दोस्तों, ये आपका लेट एंड बाथ एरिया, ये फ्रंट में इसका किचन है। तो आप देख पा रहे हो दो बेडरूम, लेट एंड बाथ, किचन, स्टेयर्स, ये मिल जाती है क्योंकि चारों तरफ से ओपन है, इसलिए मैंने चारों तरफ से जहाँ पॉसिबल है वहाँ विंडो दिया है। देखिए दोनों बेडरूम्स में विंडो दिया है और यहाँ पर वेंटिलेटर दिया है आपके लिए लेट एंड बाथ, और आगे जो किचन था इस पर भी मैंने एक विंडो दे रखा है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, मैं बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है। अब देखिए जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, तो जो यहाँ पर यहाँ तक बेडरूम था, इसका मैंने दो फिट लगभग और, क्योंकि तीनों तरफ से स्पेस है, दो फिट मैंने बढ़ा दिया है, तो इसलिए बेडरूम का साइज़ दो दो फिट इंक्रीज हो गया है। वहीं अगर हम बात करें इस लेटेंट बात के, उसका भी दो फिट इंक्रीज हो गया, किचन का भी दो फिट इंक्रीज हो गया। इस फ्रंट की बात करें तो दो फिट ये बढ़ाने के बाद दो फिट का और मैंने छज्जा आगे बढ़ाया है, जिसमें ये ग्रिल मैंने क्रिएट किए, ग्रिल पैनल वगैरह लगाया है। तो ओवरऑल आगे फ्रंट में चार फिट बढ़ जाता है। और ये देखिएगा मैंने यहाँ पर एक ग्रिल में आने के लिए यहाँ पर डोर का इस्तेमाल किया है, और ये विंडो ऑलरेडी थी चारों तरफ, आपकी विंडो पहले से ही लगी थी। तो बिल्कुल सेम ही प्लान है, बस बेडरूम्स, लेट एंड बाथ, किचन का दो दो फिट एरिया बढ़ जाएगा आपका और सेम रहेगा, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आपका अगर हम बात करें स्टेयर्स जो नीचे था, स्टेयर्स देखिए पीछे दो फिट आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पीछे आपको ऊपर स्पेस मिलेगा दो फिट, तो आप इसमें कुछ भी अपना पर्दा लगा कर या वॉल खड़ी करके कुछ भी स्पेस रख सकते हैं और अपना कुछ जो कबाड़ का मटेरियल होता है उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की बात होगी, देखिए प्रॉपर तरीके से आप देख पा रहे होंगे, मैं और जूम कर देता हूँ इसका रियलिस्टिक और आप देख पाए। वहीं लास्ट फ्लोर की बात करें तो चारों तरफ 3.5 फिट का बाउंड्री मैंने दिया है। फ्रंट में ग्रिल देखिए क्या इस्तेमाल ग्रिल बनाई, जो कि बेहतरीन से ग्रिल, एक मॉडर्न डिज़ाइन टाइप की ग्रिल आपको देखने को मिलती है। और ये स्टेयर्स जहाँ थी उसको ढकने के लिए गुमटी, और यहाँ डोर, और लास्ट में इस पर छत मैंने बना दिया। तो ये ओवरऑल आपका 20.5 x 33.9 में मॉडल क्रिएट हो जाता है, बेहतरीन सा मॉडल बन जाता है।
मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।